दोस्तों स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैप्चा क्या होता है। देखिए, आपने कई बार आपके स्क्रीन पे इस तरह की इमेजेस देखी होगी जिसमें आपको एक इमेज के फॉर्म में टेक्स्ट लिखा हुआ था, और उस टेक्स्ट को जब आप फिल करते हैं तब जाके आप उस वेबसाइट पर लॉग इन हो पाते हैं। तो एक्चुअल में ये होता क्या है और ये हम क्यों यूज करते हैं वेबसाइट्स में, इन सब चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका पूरा फुल फॉर्म, क्योंकि इसको दोबारा बोलना बहुत लेंदी है तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा। तो दोस्तों इसको फाइंड किया था लुईस वॉन आहन ने, क्योंकि वो मानते थे कि अगर वेबसाइट्स में कैप्चा का यूज करेंगे तो किसी तरह के फेक अकाउंट से हम बच सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और ये फाइंड हुआ था 2003 में। तो अब क्या होता है ये कैप्चा, इसको लगाने से ऐसा क्या होता है कि फेक अकाउंट्स नहीं बनते हैं, हमारे वेबसाइट्स हैक्स नहीं होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर मैं समझाना चाहूं कैप्चा के यूज को एक सेंटेंस में, तो दोस्तों इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि ये पता लगाया जाए कि कंप्यूटर के सामने बैठ के जो उस वेबसाइट को यूज कर रहा है वो एक ह्यूमन है या फिर कोई रोबोट है। लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी कहानी चलती है जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब 2000 के आसपास जब जीमेल बना था तो सब जने अपनी ईमेल आईडीज बनाते थे उस पे, और काफी पॉपुलर चल रहा था, और आज भी देखा जाए तो पॉपुलर है। लेकिन उस टाइम हुआ क्या था दोस्तों, जब जीमेल पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था तो आप जानते हैं सब जनों के सारे कंपनीज जो भी होते सबके कोई ना कोई कंपटीटर्स होते हैं या फिर कोई दुश्मन कह लीजिए। तो होता क्या है कि वो इस तरह का कुछ प्रोग्राम बना लिया था उन लोगों ने, और उसका यूज कर वो जीमेल पर बहुत सारे फेक आईडीज बना रहे थे। तो फेक आईडीज बनाने से क्या हुआ कि जो जीमेल का जो सर्वर है, यानी कि गूगल का जो सर्वर है, वो क्रैश हो गया। सर्वर क्रैश होने का मतलब ये होता है कि वेबसाइट लोड नहीं होती और जो जेन्युइन कस्टमर्स है वो गूगल से बाहर जा रहे थे, क्योंकि अगर वेबसाइट लोड नहीं होगी तो दूसरे लोग अकाउंट बनाएंगे कैसे। तो ये सारा जो काम किया गया, ये काम किया गया रोबोट्स का यूज करके। अब देखिए, रोबोट का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आयरन मैन का सूट पहन के बैठा है, लेकिन उसका मतलब होता है प्रोग्राम्स। उस प्रोग्राम्स का यूज कर वो रैंडमली अलग अलग ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अपने जो सर्वर को क्रैश करने की कोशिश करते थे। 1 सेकंड में या 1 मिनट में लाखों ईमेल आईडी ऐसे बन रहे थे, और जिस वजह से गूगल का जो सर्वर है वो क्रैश हो गया था। तो इस वजह से एक जरूरत आई कैप्चा की। तो कैप्चा में एक्चुअली होता क्या है, कैप्चा में एक इमेज यूज किया जाता है। आपने हमेशा देखा होगा हम जो फॉर्म भरते हैं उसके जस्ट नीचे कुछ 3 या 4 नंबर्स होते हैं, वो नंबर टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होते, वो इमेज फॉर्म में होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम्स है या फिर हम जो रोबोट कह लें, ये रोबोट्स जो होते हैं वो उस इमेज को रीड नहीं कर पाते। उनको पता है कि एक इमेज है, लेकिन उस इमेज पे क्या लिखा हुआ है या फिर उस इमेज पे कौन सी फोटो है क्या है, ये जो रोबोट्स है वो रीड नहीं कर पाते। ये सिर्फ ह्यूमंस रीड कर पाते हैं, और जेन्युइन ईमेल आईडी सिर्फ ह्यूमन ही बना सकते हैं। तो इस वजह से उसमें यूज किया गया कैप्चा का। अगर ह्यूमन ईमेल आईडी बना रहा होगा तब तो वो उस कैप्चा को उसमें फिल कर पाएगा, लेकिन अगर कोई रोबोट हुआ तो वो उसे फिल नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, जो सर्वर क्रैशिंग के प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन, हर सॉफ्टवेयर किसी ना किसी यूजर नेम और पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होते हैं, और ये पासवर्ड किसी एक ही बंदे के पास होता है जो कि अक्सर उसका ओनर ही होता है। लेकिन अगर ये पासवर्ड किसी और बंदे के हाथ लग गया तो सारा बैंक डिटेल्स, सारा पर्सनल डिटेल्स, सब कुछ उसके कंट्रोल में चला जाएगा, और वो आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। यानी कि अगर आप सिर्फ पासवर्ड लगाते हो, साथ में कैप्चा नहीं लगाओगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपने कैप्चा लगा दिया तो यहां पर एक बात होती है कि होता क्या, ये प्रोग्राम करता ये है कि वो रैंडमली बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करता है और उनमें से एक लग जाता है, मतलब वो मिनट में लाखों पासवर्ड ट्राई कर सकता है, लेकिन वो मिनट्स में लाखों कैप्चा एंटर नहीं कर सकता, यहां तक कि एक भी कैप्चा वो एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि रोबोट कैप्चा को पढ़ ही नहीं सकते। और इस वजह से ये बहुत ही सिक्योर तरीका हो गया है अपने चीजों को प्रोटेक्ट करके रखने का, क्योंकि आज तक कोई रोबोट कैप्चा को पढ़ने के काबिल नहीं बनाया। हो सकता आने वाले टाइम में हो जाए, लेकिन फिलहाल आज के डेट तक तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई रोबोट कैप्चा को रीड कर ले और उसको एंटर कर ले। तो इस वजह से कैप्चा का यूज किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।